नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट डॉक्टर डे पर राजधानी के जेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को डॉक्टर डे की बधाइयां दी। जब उनसे पूछा गया कि 108 एम्बुलेंस समय पर मरीज तक नहीं पहुंच पा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है और डॉक्टरों की कमी होने के कारण हम समय पर अस्पतालों में सेवाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं और इसीलिए अस्पतालों में कुछ अप्रिय घटना घटित हो जाती हैं, जिसकी हमें बाद में चिंता होती है कि हम समय पर मरीज को इलाज नहीं दे पाए। ऐसी कई अप्रिय घटना मेरे संज्ञान में भी हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का और जहां भी ऐसी घटना दुर्घटना होती है वहां तुरंत कार्यवाही करने का। भारत रत्न से नजारा गया था, वे प्रथम डॉक्टर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, और जिनकी स्मृति में हम लोग ये डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और मेरा इस डॉक्टर्स डे पे यही मैसेज रहेगा कि सभी डॉक्टर्स अनुशासित कर्तव्य परायणता से पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहें। और जैसा कि आपको मालूम है कि कई बार कई जगह संसाधनों की कमी होती है, उसके बाद भी जो भी बेस्ट होता है वो डॉक्टरों को करना चाहिए। और शासन इस ओर लगा हुआ है कि जल्दी ही मेन पावर है, इक्विपमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी माननीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी यहाँ आए थे 12 बजे के लगभग, उन्होंने सब डॉक्टर्स को बधाई दी और डॉक्टर्स डे पे शुभकामनाएं दी और बोला है कि हम शीघ्र ही 1000 डॉक्टरों को नियुक्त करने वाले हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है, इससे जो कमी है डॉक्टर्स की वो पूरी होगी। और मैं दूसरी बात ये भी करना चाहता हूँ कि जैसा आप देख रहे हो कि आजकल कई जगह मरीजों का और डॉक्टरों को इलाज के लेके उनके विश्वास में जो कमी आई है, उसको मैं ये चाहूँगा कि एक्चुअली जो मरीज हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि जब बहुत गंभीर बीमारी होती है, एक्सीडेंट का केस होता है, गंभीरता ज़्यादा रहती है, तो उस समय उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और डॉक्टरों पे विश्वास रखना चाहिए। कोई भी डॉक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसके मरीज को उससे लाभ ना मिले, वो मरीज ठीक नहीं हो, क्योंकि हम लोग इसी मानवीय संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है और हमारी प्रायोरिटी है पहली कि मरीजों को अच्छा इलाज दें, उनकी जान बचाएं। पर इसमें मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि जो भी मरीज हैं उनके रिश्तेदार हैं वो आकर, और डॉक्टरों को भी मेरी सलाह रहेगी कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए मरीज की बीमारी के बारे में, उनके इलाज के बारे में और आगे की प्रोग्नोसिस के बारे में, जिससे क्या है कि उनको भी ये चीज़ों का सब ज्ञान रहे कि कितनी गंभीरता क्या है, और उसमें वो सहयोग करेंगे तो हम लोग और अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।